आज का हमारा रेसिपी है मलाई से घी कैसे निकालें। तो आप देख सकते हैं हमारा मलाई एक कटोरी है, एक बड़ा कटोरी। ये एक मलाई से हम तीन चीज़ बनाएंगे। पहला मक्खन बनाएंगे, दूसरा घी बनाएंगे और तीसरा जो हर कोई फेंक देता है हम उससे बनाएंगे इसका पनीर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें मलाई के लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम ये मलाई पलट लेंगे। आज मैं आपको मलाई हाथ से ही बनाना सिखाऊंगी, मलाई का घी कैसे बनेंगे। आप देख सकते हैं ये बर्फ जमा हुआ है हमारा। आप इस तरीके से सारा मलाई इसके अंदर ऐड कर लें। ये हमारा मलाई इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब हम इसे हाथ से अच्छी तरीके से फेंटेंगे 10 मिनट तक। तो चलिए इसे फेंट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा मलाई जो है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तभी हमारा मक्खन अच्छा निकलेगा, नहीं तो क्या होगा, हमारा घी बन जाएगा। तो आप इसमें पानी भी यूज़ करें तो बिल्कुल ठंडा चिल्ड। आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ जमा हुआ है, अभी तक ये मेल्ट नहीं हुआ। हम इसी में बनाएंगे तो ये इस तरह से मिक्स करते रहेंगे तो वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे। तो हमें इसी तरीके का चाहिए। ये देखें, हम इसे 5 मिनट मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसे इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से हाथ से इसे मिक्स कर रही हूँ, इसी तरीके से फेंटते रहें और ये तहती के सहायता से इस तरीके से फेंटें। 5 से 10 मिनट लग जाएगा आपको इस तरह से फेंटते, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया मक्खन निकल के आएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा मलाई एकदम क्रीम के शेप में आ रहा है। ये अभी भी थोड़े थोड़े बर्फ जमे हुए हैं। आप कोशिश करें कि आपका मलाई बिल्कुल ठंडा ही रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरीके से 2 मिनट फेंट लिया है। देखिए किस तरीके से मक्खन के शेप में आ रहा है, हमारा मक्खन बन रहा है धीरे धीरे। अब इसमें पानी छोड़ने लगेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप फेंटते रहें जब तक हमारा मक्खन तैयार ना हो जाए, एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहें। इस तरीके से हमारा मक्खन रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं। और फेंट लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा मक्खन रेडी हो रहा है। इसी तरीके से आप फेंटते रहें। बिल्कुल सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं करना है आपको। बिल्कुल दानेदार हमारा मक्खन रेडी हो जाएगा। इसे मैंने 5 मिनट तक फेंट लिया है। ये देख सकते हैं पानी अलग हो गया, हमारा मक्खन अलग हो गया। अब हम इसे ठंडा पानी डालेंगे बिल्कुल चिल्ड और ये फिर इसका पानी निकालेंगे। चलिए इसमें हम ठंडा पानी ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने ठंडा पानी ले लिया और वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। पूरा 1 लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते ही हमारा मक्खन ऊपर की तरफ आ जाएगा और वो पानी नीचे रह जाएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, बर्फ। ये देखिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा आइस क्यूब डालूंगी, बर्फ ऐड करूंगी। तो आप ये देख सकते हैं मैंने आइस क्यूब लिया, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ। हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको अच्छे से 2 मिनट तक पानी में वॉश करें इस तरीके से, ताकि इसके अंदर जो हमारा मक्खन है इसके अंदर जो भी दूध रह गया होगा वो सारे पानी में अब्सॉर्ब हो जाएंगे और मक्खन ऊपर की तरफ निकल आएगा।
आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा मक्खन ऊपर की तरफ आ रहा है। इसी तरीके से आप करें, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत बन जाता है। 5 मिनट लगे मुझे लगभग इसे फेंटने में। बस पानी ठंडा होना चाहिए, नहीं तो आपका ये जो मक्खन है मेल्ट हो जाएगा। बस इस बात का ख्याल रखें कि पानी ठंडा डालें, और अगर आपके पास आइस क्यूब है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। यह आप देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके से मक्खन बनके रेडी हो गया, और ठंडा पानी डालने से वो हमारा मक्खन सारा एक जगह हो जाएगा और वो दूध जो बन गया है वो साइड में हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा मक्खन बिल्कुल रेडी है। ये देख सकते हैं कि हमारा मक्खन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे अलग से इस तरीके से, और इसका सारा छान लेंगे। और ये पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को एक पतीले में डाल के इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मलाई का पानी है। एक पतीला लेंगे और उसमें छान लेंगे, इसके अंदर जो भी मलाई का छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसे छानना ज़रूरी है। ताकि हमारा इससे अच्छा निकले छेना, और हम इसे छेना बना लें। इसी तरीके से सारा छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मलाई का पानी है, जो हमने एक बार में 1 लीटर पानी डाला है वो है ये पानी। और उसके बाद जो हम उसमें मलाई मक्खन में पानी डालेंगे उसे हम फेंक देंगे। फिर से बड़ा बर्तन लेंगे वही, और इसे हम इसमें पलट लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से पलटते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी फिर से ठंडा पानी। ये देख सकते हैं मैं ठंडा पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से धो लेंगे, तो इसका जो भी दूध होगा वो निकल जाएगा। तो दूध निकलना ज़रूरी है, अच्छी तरीके से 3-4 दफ़ा आप धोएं, इसका सारा दूध निकल जाता है। ये जो पानी निकलेगा ना, तो उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे से दाने हैं, वही आपके मक्खन में रह जाता है। फिर जब हम घी बनाते हैं तो वो उसमें भी रह जाता है, और घी हमारा ज़्यादा दिन तक लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारा मक्खन अच्छी तरीके से वॉश हो जाना चाहिए। आप इसे 3-4 दफ़ा धोएंगे तो वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा, फिर इसमें बिल्कुल साफ़ पानी निकलने लगेगा। तो आप समझिए आपका मक्खन रेडी है, आपका फिर घी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। तो ये टिप्स आप ज़रूर याद रखें और इसे फॉलो करें। चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने सारा निकाल लिया। अब इस पानी को हम फेंक देंगे, इस पानी को फेंक देंगे, इसे नहीं रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा आधा मक्खन इसमें है, इसका हम मैं घी बना लूँगी। और ये आधा मक्खन ये है, मैंने इसे एक प्लेट में इसे इस तरह से फैला लिया है, और इसे मैंने डीप फ्रिज में रख के जमा लिया है। अब मैं इसमें कट लगाऊँगी इस तरीके से, क्यूब की तरह से कट लगा लेंगे। ये बहुत ही ईजिली निकल जाता है, आप देख सकते हैं इसमें निकालने में कोई भी मुश्किल नहीं होती, बहुत ही ईजिली निकल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा अभी हार्ड हो चुका है, इसलिए कट नहीं लग रहा है। ये जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ना तो हम इस पर पीसेस बना लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से पीसेस बना लेंगे। और जब आपको खाना हो तब आप इसमें एक एक क्यूब निकालें और इस तरीके से निकाल कर खा लें। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अमूल बटर की तरह हमें इसे बनाने के लिए एक चीज़ इसके अंदर डालना होगा, वो है नमक। आप आधा चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर दें तो बिल्कुल अमूल मक्खन आपका जैसा बाज़ार का होता है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लगेगा। तो चलिए अब हम इसे घी बना लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने कढ़ाई लिया, वो गर्म होने के लिए मैंने रख दिया। अब ये मक्खन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये हमारा घी बन जाएगा। मेल्ट होने देंगे। तो
तो आप देख सकते हैं हमारा घी किस तरीके से रेडी हो रहा है। अब इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे और ये ऑलमोस्ट सारा अपने आप ही घी बन जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से पका लें, इसका झाग ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही। झाग अगर आता तो आप टेंशन नहीं लीजिए, वो ख़त्म हो जाएगा और फिर बढ़िया घी बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा घी बन रहा है। ये हमारा घी पीला इसलिए नहीं कि मेरे घर में गाय का दूध यूज़ होता, इसलिए हमारा घी बिल्कुल प्योर गाय का घी बनके रेडी होगा। इसमें मैंने कोई हल्दी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। ये देख सकते हैं आप कितना पीला पीला कलर आया, ये हमारा गाय के दूध की वजह से इसलिए हमारा पीला पीला आया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा घी छोड़ दिया मक्खन। 2 मिनट मुश्किल से लगता है और हमारा घी तैयार हो जाता है। मक्खन मलाई से मक्खन बनाए, मक्खन से आप घी बनाएं, और घी के बाद हम बनाना आपको सिखाएंगे पनीर। वही मलाई का पानी है, हमने उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी दूध कुछ नहीं डाला। हम आपको बताएंगे आगे का प्रोसेस करेंगे इसके बाद। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से झाग आ रहा है। हमारा घी बन चुका है। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया, ये ठंडा हो जाएगा तो ये झाग अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा मलाई में से दूध निकला है, उसी दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। जब हम मलाई निकालते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत दूध भी निकल जाता है, तो ये उसी से बनता है ये दूध। आप इसे फेंकें नहीं, आप इसे गर्म करें अच्छी तरीके से और इसमें डालें एक नींबू और इसे फाड़ लें। ये हमारा गर्म हो रहा है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे उबाल लिया है। अब मैंने इसका गैस बंद कर दिया, देखिए उबलते उबलते ही अपने आप ही फट जाता है। कई बार अच्छी तरीके से नहीं फट पाता, तो उसके लिए हम नींबू यूज़ करेंगे। ये मैंने हाफ नींबू लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे नींबू जूस। अब इसमें जो भी कसर बाकी होगी वो ऑटोमेटिक फट जाएगा और हम इसे कर लेंगे नेक्स्ट। आप देख सकते हैं मैंने कटोरा में पलट लिया है और इसे छन्नी से छान लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा घी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल पीला पीला घी निकला है। ये हमारा गाय के दूध का घी है। मैंने ज़्यादा घी इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मैंने हाफ का मक्खन बना लिया है, इसलिए हमारा घी कम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा दूध फट चुका है और ये छेना अलग हो चुका है। आप देख सकते हैं लोग इसे फेंक देते हैं और मैंने इसे इस्तेमाल में ले लिया। आप देख सकते हैं हमारा दूध बिल्कुल फट चुका है। अब इसे हम छान लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने कपड़े में छान लिया है। आप इसका पानी अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने प्लेट लिया और ये कपड़ा में से छेना निकाल लेंगे। मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से निचोड़ लिया, तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से कपड़े से निकाल लिया। आप देख सकते हैं ये हमारा छेना, कोई कह सकता है इसे कि ये हमारा मलाई के दूध से निकला। आप इसका चाहे तो रसगुल्ला बनाएं, आप इसका चाहे तो पनीर बनाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे क्या बना सकते हैं।